गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल ऑफ यू ओके। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल एंड रीजनल डेवलपमेंट सिंस 1947 एंड द प्रॉब्लम दैट वाज फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। दे वर रेफ्यूजीज प्रॉब्लम एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिमांड ऑफ न्यू स्टेट an effort to the fulfill the regional aspiration of the people. As you know that after independence, the need of reorganization of different state of India and Union, some sound basis was keenly felt. कि आज़ादी के बाद हम कैसे reorganize करेंगे state को, ये बहुत एक keenly felt किया गया था इसको। और इस चीज़ को करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया गया था 1953 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। और फिर 1953 में गठन करने के बाद उसने 1955 में उसने अपना रिपोर्ट दिया। और रिपोर्ट देने के बाद जो उसका जो अपना जो रिपोर्ट में उसमें आया, उसके अकॉर्डिंग देश को अरेंज किया गया और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरेटरी बनी। यानी अगर हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सिर्फ 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरेटरी फॉर्म हुई थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस लोग हमारे देश में अलग अलग राज्यों में लिंग्विस्टिक बेस्ड पर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की डिमांड उठने लगी। इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने अपोज किया। उन्होंने अपोज क्यों किया, इसके पीछे का जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया वो देखते हैं हम क्या है। कि पंडित नेहरू आर्ग्यूड दैट डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज हैड कम टू बी फोर एंड देयर वाज ग्रेट नीड टू चेक देम। द नेशन हैड टू बी स्ट्रांग एंड यूनाइटेड एंड इट वाज डेंजरस टू फर्दर डिवाइड द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। इनका कहना था कि देश ने एक बहुत प्रॉब्लम झेल करके आया है और काफ़ी डिसइंटीग्रेशन को फेल किया है, और अगर हम फर्दर इसको फिर डिवाइड करेंगे लिंग्विस्टिक बेस पर तो फिर हमारे देश का जो इंटीग्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी हमारे देश की जो एकता है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए लिंग्विस्टिक आधार पर उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया। सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल का कहने का मतलब था फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड अ नेशन। पहली और जो अंतिम हमारी जो नीड है वो यह है कि हमें एक नेशन का निर्माण करना है। Everything which helps the growth of nationalism has to be go forward and everything which throw obstacle is it has been to rejected। वो हर एक चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो नेशनलिज्म की फीलिंग को देश में ग्रो करेंगी, और इसके जो अगेंस्ट है उनको हमें क्या करना चाहिए, थ्रो आउट करना चाहिए। एंड अदर लीडर्स, और भी आगे अगर हम देखें तो अदर लीडर्स की, अगर हम देखें तो अदर लीडर्स वर आल्सो ओके। अदर लीडर्स फेल्ट दैट व्हेन द कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द रिलीजियस बेसिस द पीपल हैड टू सफर ए लॉट। उन्होंने कहा जब रिलीजियस बेसिस पे डिवाइडेड थी तो लोग काफ़ी प्रॉब्लम से सफर हुए थे। मोर देन ए मिलियन पीपल बोथ हिंदू एंड मुस्लिम हैड बीन किल्ड इन रियॉट्स एंड अबाउट 8 मिलियन पीपल हैड टू लीव इन सेंट्रल। क्योंकि आज़ादी के बाद जो हिंदू और मुस्लिम में जो हमने रियॉट्स देखा था, वो चाहे डिवीजन के समय रहा हो, तो उन प्रॉब्लम का एक एक्सपीरियंस जो हमारे टॉप लीडर को मिला था वो इस चीज़ को अपोज करते थे कि लिंग्विस्टिक बेस्ड पर डिवीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और होता है कि देखता हूँ कि आगे फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लिंग्विस्टिक आधार पे फिर डिमांड बढ़ते हैं और देश राज्य हमारे बनते हैं, फॉर्म होते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि एजिटेशन फॉर क्रिएशन ऑफ मोर स्टेट, अभी तो 28 स्टेट हैं, 9 यूनियन टेरेटरीज हैं, इसका मतलब है कि स्टेट की संख्या बढ़ाई गई हैं और यूनियन टेरेटरीज की भी संख्या में इंक्रीजमेंट हुआ है। तो किस बेसिस पे हुआ, कैसे हुआ, अगर हम इसमें देखें तो इन द स्पाइट ऑफ ऑल सच व्यूज देयर वर डिमांड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू क्रिएट न्यू स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। मेनी स्टेशन वर स्टार्टेड टू अचीव द सेम। हमारे देश में कई जगहों पर जो आंदोलन हुए, एजिटेशन हुए कि वो लिंग्विस्टिक आधार पर, उनकी रीजनल कल्चर के आधार पर। और आपको एक चीज़ और दिमाग में रखना है बेटा कि जो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट हुआ था 1953 में, उसके चेयरमैन फैजल अली थे। तो कभी कभी फैजल अली कमीशन भी उसको कहा जाता है, ठीक है, फैजल अली।
चेयरमैनशिप फैजल अली का था। और फर्स्ट द प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट आउट ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ मद्रास रेजिडेंसी वर द स्ट्रांग वन। और भारत में सबसे पहली जो शुरुआत हमें देखती वो आंध्र प्रदेश के लिए और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, ठीक है। और अंततः एट लास्ट द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू क्रिएट अ न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन 1st अक्टूबर 1953 में। तो आपको जानकारी रखना कि 1st अक्टूबर 1953 में जो पहला स्टेट बना वो आंध्र प्रदेश, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेस पे, अगर भाषा के आधार पे पहला जो राज्य बना वो हमारा आंध्र प्रदेश है। बॉम्बे को अगर देखें तो 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र मराठी और गुजराती लैंग्वेज के कंट्रोवर्सी के स्प्लिट के नाते ये बना। नागालैंड बिकेम फुल प्लेड स्टेट इन 1961 में नागालैंड बना। द स्टेट ऑफ हरियाणा क्रिएटेड बाय फ्रॉम पंजाब इन 1966। फोर न्यू स्टेट ऑफ मेघालय मणिपुर त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश वर फॉर्म्ड इन 1975। तो एक सीरियल वाइज सीरियल अलग अलग समय में इन स्टेटों का बनना शुरू हुआ। लेटर ऑन सिक्किम गोवा अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम आल्सो बिकेम फुल प्लेड स्टेट इन यूनियन टेरेटरी, ठीक है। और फिर आज भी देखते हैं ओल्डर स्टेट हमारे यूपी से, उत्तराखंड, बिहार से, झारखंड, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, और एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरेटरी लिखा है। तो अभी आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट से कट करके कैंसिल होकर के बन गया, तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखोगे, ठीक है, कि 9 यूनियन टेरेटरी है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में अपॉइंटेड, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड इन 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैजल अली एंड दैट कमीशन इन 1956 में उन्होंने 1955 में अपना वर्क कंप्लीट किया और 1956 में होल इंडिया को उन्होंने डिवाइड कर दिया फोर स्टेट ऑन से 6 यूनियन टेरेटरी में। और इसको तो टॉप लीडर हमारे अपोज किए कि लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं होना चाहिए राज्यों का विभाजन, लेकिन बाद में कुछ एजिटेशन जो देवर प्रमोटेड बाय द लिंग्विस्टिक। और इस तरीके से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हमारा बना और बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। स्टिल देयर वर द डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट लाइक तेलंगाना गोरखालैंड। लेट अस सी व्हाट इन द स्टोरी फॉर अस द कंट्री इन द फ्यूचर, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लास्ट आप देखते हैं कि आंध्र प्रदेश से फिर तेलंगाना बना 2 जून को 1914 को जो मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी उसके बाद। प्रिपरेशन फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट आवर टॉपिक, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इवन विल द टू इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन एंड द अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंसोलिडेशन वर बीइंग टैकल, ये दोनों प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इंगेज्ड इन ड्राइंग अप कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, और इसी समय 1946 से लेकर के ये 1949-50 तक ले एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना संविधान बनाने में लगी हुई थी। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, बट देर वॉज ए ग्रेट नीड ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को वी गॉट फ्रीडम, बट देर वर नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन हाउ टू रन द कंट्री एंड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच हैड बीन वर्किंग अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंस 9 दिसंबर 1946 वॉज अलाउड टू कंटिन्यू इट्स वर्क। आपके टेक्स्ट बुक में एक फॉल्ट है यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 में, क्योंकि 9 सी चित्रन ना इनको 11 से परमानेंट बनाया गया था, ठीक है। मूविंग द ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन इन द December 1946 नेहरू हैड डिक्लेयर्ड दैट फ्री इंडिया वुड बी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बेस्ड ऑन द सोवरेन विल बी द पीपल गारंटिंग देम सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस इक्वली अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ है। डॉक्टर क्या नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा देश एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा,
ठीक है, जिसमें लोगों को गारंटी मिल रही है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ये सब चीज़ें इन्हें मिली रहेंगी। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टूक अबाउट 3 ईयर नियर अबाउट 2 ईयर 11 months 13 days टू कम्प्लीट इट्स वर्क। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रेडी ऑन 26 November 1949 एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 January 1950 ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड द सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री विथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑल द ऑब्जेक्टिव दैट नेहरू सो फर्वेंटली आर्ग्ड। डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस वर इम्बॉडीड इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में ये जो इनके हमारे प्रियम्बल में जो चीज़ें हैं कि हमारे सोवरेन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक और लोगों को सोशल एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जस्टिस मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस एक आइडियोलॉजी के साथ इस फेथ के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 January 1950 को बन करके तैयार हुआ। तब से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, जब से हमने भी इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ द स्टेट। एंड इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डॉक्टर अम्बेडकर्स कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू।